चुनाव में मैदान में उतरे वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की, जबकि विपरीत परिस्थिति थी। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाई कमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है, उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है, मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को, पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं जिसका, जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है, और इसी तरह से जो हमारी योजना थी मैनिफेस्टो में, जो जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है, हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाई कमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, ये दे आर इलेक्टेड, दे वन द इलेक्शन, कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं क्यों जाएंगे, कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस? नहीं, नॉट एट ऑल, या एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा, दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे, और हमारा फुल मैंडेट है, एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि वीरभद्र का ही मॉडल है, और एक एक चुनौती वाली सीट आपको दी गई, आपने बड़ा कैंपेनिंग अच्छा किया, आप हैं उस रेस में, आपको जनता क्या स्वीकार कर रही है सीएम के तौर पर? देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी, ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में, और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको, हमको वोट दिया है, इस बात को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। थैंक यू। वीरभद्र सिंह जी भी यही करते थे, जो कहते थे उसको करके दिखाते थे, तो हमने भी उसी राह पे चलना है। आखिरी सवाल मैम, जब हम देख रहे हैं कांग्रेस सब जगह निराशाजनक थी, आपने हिमाचल में वो करिश्मा करके दिखाया, तो किस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ कांग्रेस की जीत, या वीरभद्र नाम आगे चला, या आपका काम? बस एक नहीं, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। अब मेरा काम तो मीन्स वीरभद्र सिंह, में कांग्रेस किस तरीके से पिछड़ी लेकिन हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन। देखिए, आप ये बात मानिए कि हाई कमांड ने जो ये जिम्मेवारी मुझे दी, उसको लेकर मैं आगे बढ़ी। क्यों दी ये जिम्मेवारी मुझे? क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी थी, उनका परिवार था, और उन्होंने कहा इस इलेक्शन में हम उनको नजरअंदाज, उसको उनको, आप बात ही पूरी नहीं होने देते। तो मैं ये कह रही थी कि उनके नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी फैक्टर क्या चला? मोदी जी कितनी बार आए, डिड ही मेक एनी डेंट? कोई हिमाचल में डेंट? एंड ये तो
मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी को क्यों बार बार लाया गया, इतनी जनसभाओं में लाने की क्या आवश्यकता थी। डरे हुए थे बीजेपी के लोग कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, दे न्यू इट एंड दैट्स व्हाई दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।